हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बताओ बताओ, हम तो पंखा चला रहे हैं। देखो यार, आपका पंखा चल गया है ना। कही गाइस, इवनिंग हो गई है। आज पूरा दिन तो यानू के साथ ही ऐसे ही बस तीनों ही लगे हुए हैं, खेल रहे हैं। तो बस दीदी और भावना आ गए खाना बनाने के लिए और मैं यहाँ पे ब्लैक टी पी रही हूँ। अभी यानू और मैं गए थे छत पे, वंचिका वहाँ से हाई कर लिए। हम गए थे छत पे खाना खिलाने के लिए, इतनी खुश हुई यानू, कम से कम 10 मिनट वहाँ भागती रही छत में और कौवे कबूतर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो अब इनका खाना बन रहा है और अभी अनुप आ रहे हैं, इन दोनों को फिर से लेके जाएंगे नीचे झूला झुलाने के लिए। तो ये देखो, अनुप ने शूट किया होगा जब पार्थू स्कूल से आया था ना, तो ये यानू का फर्स्ट डे वाला ही वीडियो है गाइज। तो झूला झूल के फिर ये लोग उस दिन आए थे ऊपर। झूला झूल के अब ये भाभी लोग को देख के आवाज नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही है, शर्म आ रही है। हाँ, रोज देखेगी ना फिर बोलने लगेगी यानू झूला झूल के आ गई, आ गई झूला झूल के, आ गई चिड़िया झूला झूल के। तो इवनिंग में मैं यहाँ खाना बना रही थी तो मैं चुपचाप से देख रही थी कि यानू अनुप के संग इतने अच्छे से खेलती है दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। मतलब उसको ना खेलने के लिए कोई चाहिए, बस कोई भी हो, लेकिन वो खेलती बहुत अच्छे से है। तो मैं यहाँ खाना बना रही हूँ और अनुप उसके संग गेम खेल रहे हैं। तो ये गाइस, यहाँ पूजा हो चुकी है, पार्थू और यानू वहाँ पे खेल रहे हैं और यानू की यहाँ खिचड़ी बना रही हूँ मैं, पतली पतली सी चावल डाल के खिचड़ी, चावल ललकी बनती खिचड़ी। तो वैसे उसने कहा था दीदी मैं चावल खाऊंगी, अब मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं दाल चावल मिक्स करके खाने, तो थोड़ी खिचड़ी बना देती हूँ अच्छी सी, खाने में भी उसको ईजी रहेगी। ये विराज अभी कहीं जा रखा है, पार्थू नीचे खेल रहे हैं और दिनचर्या मेरी यहाँ की समाप्त हो चुकी है, 8-10 हो गए हैं। ये दोनों देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों खेल रहे हैं गाइस, एंड इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अब जब तक यानू है ना, तब तक जैसे भी मुझसे ब्लॉग बनेगी वैसे बनानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे के संग दो बच्चे के संग अब जिंदगी देखनी है कि कैसे मैनेज होती है। ओले बाबा, तो घोड़ा घोड़ा बन गए, तिरछी हो रही है तिरछी, बेटू गिरना नहीं, टाइट से पकड़ ले। अरे बाबा ले, ये घोड़ा नहीं है, ऊंट है, ऊंट। ऊंट की सवारी है बाबू, ये ऊंट की सवारी। हे गाइस, यानू ने बहुत अच्छे से मैंने जो खिचड़ी बनाई थी ये देखो खा ली है, उसको खिला के आई हूँ। अब तसल्ली हुई है कि उसने खा लिया, तो ऐसा टेंशन रहता है कि बच्चे क्या खाएंगे। ओ, अरे यानू कहाँ चली गई? यानू, अरे यानू नहीं दिख रही है मेरे को, यानू कहाँ है? इसके नीचे तो नहीं है यानू? अरे यानू, यानू बेटी कहाँ गई? यानू कहाँ गई, कहाँ ढूंढू यानू? तो बच्चों का मोस्ट फेवरेट गेम छुपन छुपाई, तो इसी तरह से छुप जाती है बीच बीच में, फिर हमें कहती है कि आप मुझे ढूंढो। और ये देखो चढ़ी कैसे है, हमने क्या किया ना, बीच वाला सेंटर टेबल है वो हटा के साइड में रख दिया गाइस, ताकि बच्चों को खेलने में इजी रहे, और उसमें कांच है ना तो थोड़ा डर लगता है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग देखो मेरे संग सोई थी यहाँ पे, इस टाइम सब सो रहे हैं, तो विराज ने सुला दिया था लेकिन सोई मेरे साथ ही थी, बहुत आराम से सोई है रात भर, बिल्कुल परेशान नहीं किया। वो देखो अनुप और पार्थू भी सो रहे हैं, तो यहाँ मैं उठ गई हूँ और अभी थोड़ी देर बाद यानू को भी उठाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ सोच रही थी कि क्यों ना यानू के उठने से पहले कुछ ज़रूरी काम निपटा लूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं उसको इस तरह से अकेले हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है गाइज, क्योंकि 1-1.5 साल बाद वो मेरे पास आई, वो भी बगैर अपनी मम्मी के, तो कैसे क्या होगा मुझे भी नहीं पता है। तो लेकिन मैं अपनी तरफ से सेफ वो करके चल रही हूँ। और ये देखो मेरा लड्डू भी सो रहा है, आज सैटरडे है ना इसलिए, तो
तकिया लगा दिया है ताकि उसको ऐसा लगे कि पीछे कोई सो रहा है, और यहाँ से विराज जा चुका है। एंड यहाँ मेरे को लग रहा है कि मैं अपने जितने जल्दी मॉर्निंग वाले जो ज़रूरी काम है जैसे पौधों में पानी डालना, अपना ऑयल पुलिंग करना, वो सब कर लेती हूँ ताकि जब यानू उठे तो इन सब चीज़ों से फ्री हो जाऊँ। और अभी मैं और यानू बात करेंगे गाइस, तो यानू ने एक बहुत ही फ़नी बात करी है, उसको बच्चा समझ के ही सुनना उसको, मतलब रिएक्ट मत करना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना वैसे ही लेना उस बात को। और ये देखो, अभी देख रही हूँ कि आंवले का रस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो ये ना आयु प्लस करके कोई कंपनी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये 136 का या 30 का मुझे पड़ा था, हाफ लीटर का। और पतंजलि का लेती हूँ ना तो वो पड़ता है 75 का। तो इसमें तो 0% प्रिजर्वेटिव है, नींबू का रस डाला गया है इसको प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन ये वाला कम खट्टा है। पतंजलि वाला भी मैंने ट्राई किया, वो ज़्यादा खट्टा था। तो आप प्लीज़ मुझे बताना दोनों में से क्या बेटर है। और जो भी मैं करती हूँ अकेले के लिए नहीं करती, अनूप के लिए भी करती हूँ गाइस, तो अनूप के लिए भी बना दिया है। और यहाँ पे अब हमारी यानू माता को उठाते हैं और सुनते हैं इसकी चटपटी बातें। तुझे भूख लगी है कुकू? तेरा खाना 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 लाएंगे। कहाँ पे देने जाएंगे खाना? छत में। और कुकू आ गए, देखिए यानू, ये देखो और कुकू आ रहे। ये बोले यानू हमको खाना तो दे दे, ऐसी क्या करती है, खाना दे दे बोले। आगे? आगे? कूड़ गए यानू, है ना? अभी तो बहुत छाले आते हैं यानू यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइज, यानू ने ना ब्रश किया आज पहली बार, है ना यानू? कैसे किया था आपने, दिखाओ, ईद दिखाओ अपनी। अच्छा अच्छा लग रहा है। तो यानू का कौन सा कलर का ब्रश है? पिंक। हाँ, तो पापा को बताऊंगी मैंने ब्रश कराई। और आपका मुंह साफ हो गया ना दांत? हाँ। और फिर यानू ने फेस भी वॉश किया है ना, मुंह धोया ना। ये किसकी गाड़ी है? आप बताओ किसकी है? पापा की। पापा की गाड़ी है। हाँ। अच्छा, देखेंगे आज कहाँ जाने वाली मेरी बेटी? पानी में। अरे वाह, और क्या खाएगी पहले? खाएगी क्या खाने में? क्या खाएगी? पाठू। पाठू खाएगी, आलू का पाठू खाएगी। ठीक है, तो आज भाई यानू के लिए बन रहा है आलू का पाठू, और पार्थू के लिए भी बन रहा है आलू का पाठू। और यानू किस किस को लेके जाएगी टप्पी में? सबको। सबको चप्पल ले जाएंगे आज टप्पी में, है ना? हाँ। तो देखो मेरा पार्क। आपका पार्क है? हाँ। वाओ, आज हम दोनों चलेंगे इसमें झूला झूलने, ठीक है? नहीं, दूसरे वाले में चलेंगे। दूसरे वाले में? हाँ, इसमें बस तीन ही झूले हैं। और वो हमें निकाल देंगे तो बोलेंगे तुम हमारे पार्क में क्यों आए, अपने वाले पार्क में जाओ। फिर हम क्या करेंगे, बोलो बोलो। इस तरफ से चले जाएंगे चुपके से। हाँ। और अंकल ने डंडा मारा तो तुम दूसरे में चल जाएंगे, कोने तीसरे वाले में चले जाएंगे। पक्का? हाँ, वो मने मारेंगे। अच्छा ठीक है, पक्का। मेरे को बचा लेगी ना तू? वो डंडा मारेंगे तो मैं रोऊंगी, फिर तू मेरे को बचा लेगी ना? तू डांट देगी ना अंकल को, जीजी को डंडा क्यों मारा, बोलेगी ना? मैं डंडा उठा के चलूंगी। डंडा उठा के चलेगी? और क्या बोलेगी? सामने मत आना, दीदी को मारा तो डंडे से घुमा घुमा के पीटी करूंगी। ऐसे तू तन में मार दूंगी, बम पे मार दूंगी, मर जाएगा। बिल्कुल मर जाएगा। बिल्कुल मर जाएगा, हे भगवान। फिर हम चलेंगे उस वाली में। ठीक है ठीक है, मेरी पार्क, मेरी यानू तो बहुत स्ट्रांग है, अब मैं नहीं डरूंगी, अब तो मैं पार्क में जाके घूमूंगी, देख लेना। ठीक है, वही पार्क में चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो गाइस अनूप ना इसके लिए वो लेने गए हैं दूध का कप, वो ऐसे आगे से नोक बना हुआ होता है ना, उसमें पीती है ये। कल रात को बेचारी को वॉमिट हो गई विराज, और ये खेल रहे थे, विराज ने इसको तेज से दबा दिया, इसने इतनी खुशी से खिचड़ी खाई थी, वो सारी खिचड़ी निकल के जमीन पे गिरी, और बेचारी को फिर रात को कपड़े बदलना पड़ा, और उसको लगी भूख। जैसे ही इसकी उल्टी हुई ना, उसके बाद मुंह साफ करे तो बोली जी जी मैं दूध पीऊँगी। अब दूध के लिए इसका कप नहीं था यहाँ पे, तो फिर बहुत कोशिश करी पर इसने नहीं पिया। तो फिर अब अनूप को मैंने बोला इसका जो फेवरेट कप है वो लेके आना,
तो उसमें पिलाएंगे इसको दूध। एटलीस्ट बच्चा कुछ ना भी खाए ना, दूध पी ले तो भी तसल्ली रहती है। तो खा तो लेती है ये, लेकिन वो है मिर्ची के बगैर का खाना। ओए गुड मॉर्निंग, ब्लेस यू। आओ इधर आओ पातू। मेरी मैं गया पार्क में, एक रूम में गया। क्यों गया है यहाँ पे, रो रहा है वो? फिर इस रूम में गया है। आज वो स्कूल क्यों ना गया है यानु? आज भाई स्कूल नहीं गया ना, क्यों? गाड़ी था। पता है क्यों? आज उसकी छुट्टी है, आज इज सैटरडे, आज भाई की छुट्टी होती है। जब यानू स्कूल जाएगी ना तो यानू की भी छुट्टी होगी, टू टू डेज की, है ना यानू? स्कूल जाएगी? हाँ। रोएगी तो ना? टीचर को पढ़ा के आऊंगी, है ना बेटा? और क्या, यानू ने ढूंढ लिया भाई को। ओए अब यानू की बारी, अब यानू छुपेगी, पार्थू वो करेगा काउंटिंग। चल यानू छुप जा, छुप जा यानू, चल से। मुझे बुलाएगा। हाँ ब्लेस यू। कुछ भी नहीं आता। किसको कुछ नहीं आता? मुझे फिर 1-2 नहीं आता। अच्छा 1-2 मत, 1-2-3 नहीं आता, 1-2-3 मत, 1-2 आता है। चल ठीक है 1-2 बोल लिए। चल छुप जा, जल्दी छुप जा भाई, अब यानू छुप रही है। यानू छुप जा, छुप जा, चल जल्दी छुप जा, छुप जा जल्दी से। छुप गई, छुप गई, बुला लो पार्थू, ढूंढ बहन को। पार्थू यानू कहाँ है बता। सामने छुपी है, नाम तो ले, यानू तो बोल। यानू कहाँ है पार्थू, बता यानू कहाँ है, दिख रही है तेरे को कहीं घर पे, बता यानू कहाँ है। अब पार्थू छुपेगा यानू ढूंढेगी, ठीक है? चल पार्थू छुप जा, जल्दी जल्दी छुप जा भाई, मैं पार्थू बना रही हूँ, जल्दी से हट जा। पार्थू किचन में नहीं, किचन में नहीं जा, छुप उधर। तो भाई ये दोनों खेल रहे हैं और मैं यहाँ यानू के लिए पराठा बना दे रही हूँ फटाफट से। बोलिए जो कल खिलाया था ना जीजी, वही वाला खाऊंगी। तो मैंने बोला अच्छा चल वही वाला बना देती हूँ तेरे। जल्दी से छुप जा। ये बेचारा काम कमारा, इसे चाहिए सिंगारा। क्या नहीं मिला? अबे यार जिपर नहीं बोलते, उसे जिपर नहीं मिला यार, बच्ची कैसे दूध पिएगी फिर? विराज को बोलना पड़ेगा ढूंढ के लाओ भाई। कौन? यानू। यानू कहाँ है बताओ? छुपाई खेल रही, सच में नहीं मिला बाबू, फिर कैसे पिएगी वो? ओए मैंगो। तो लो भाई पराठे बन गए और अब दोनों बच्चे पराठे खा रहे हैं। अनुप उन दोनों को फूक मार मार के दे रहे हैं। यहाँ वही गेम चल रहा है, कौन फर्स्ट आएगा कौन फर्स्ट आएगा। तो यानु गिरी मैं फर्स्ट आऊँगी, और मैंने अनुप को कहा कि दोनों को बैठ के खिलाओ, तब तक मैं घर के बाकी काम करती हूँ। गाइज जब ये दोनों खेल रहे थे ना, मैंने चुपके से कैमरा लगाया और आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं दोनों। देखो मैं कितनी सेकंड में ऐसे पॉप कर देता हूँ, यार देखो मैं ऐसे कितने सेकंड में पॉप कर देता हूँ। 20 सेकंड में ऐसे पॉप कर दिया, अभी देखता है कितने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. मैंने 30 पॉप्स को 20 सेकंड में कर लिया।
तो यहाँ पे मैं भी अपनी चाय लेके बैठी हूँ और इन दोनों को देख रही हूँ। तो बहुत देर दोनों साथ खेलते रहे और बहुत अच्छी बात यह है कि पार्थू है ना खिलाता भी, अपने सारे टॉय भी दे रहा है उसको। और जैसे पहले छोटे में उसको थोड़ा सा बुरा लगता था कि मेरे खिलौने मेरी चीज़ें, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बड़ा हो गया है ना। किक मारो बेटा, किक। यानू किक मारो। पार्थू ज्यादा स्टंट नहीं दिखा यहाँ पे, अच्छा हाँ जो तू कर रहा है सिंपल से खेल बहन को। हाथ हाथ में कैच खेल देखो, सही कह रही है। यानू कैच, पार्थू ने भी कैच कर लिया, यानू ने भी कैच कर लिया। तो बस इसके बाद नहलाया मैंने यानू को और बाल्टी के अंदर डाल दिया, उसको बैठी रही वहीं, उसको छोड़ा नहीं ऐसे। देन उसके बाद उसको रेडी किया और ये देखो तैयार हो गई है, बिंदी काजल सब लगा दो कहती है। तो मैं उसको यहाँ ले जा रही हूँ कि आ जाओ बड़े वाले मिरर में देखेंगे कि हमारी यानू कैसी लग रही है। यहाँ अनूप भी काम कर रहे हैं तो उसको देख के उड़े वाह, तो बड़ी खुश हो रही है अपने आप को मिरर में देख के। नहीं नहीं हमने कहा ली, देखो कैची लग रही है यानू, अच्छी लग रही है। अरे बाबा। और ये देखो शैतान को नहा धो के फिर इसके ऊपर बैठना है उसको, कह रही है मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पेड़ है तो यहाँ एक्चुअली हवा चलती है ना ठंडी ठंडी, तो मैंने ये सेफ भी है बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल गिर नहीं सकते बच्चे, बहुत मजबूत जाली है गाइस। तो यहाँ बैठ के काफ़ी देर खेलती रही एंड इसके बाद मैंने भी अपना नहाना धोना फिर किया। तो मैंने नहा लिया है, यानू और पार्थू गए हैं अनूप के संग ऑफिस क्योंकि विराज भी आ गया होगा। यानू ने और पार्थू ने दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, खूब खेले दोनों और फिर मुझे भी नहाना था ना, तो मैंने बोला आप चले जाओगे तो फिर ये दोनों पार्थू एक्चुअली अगर टीवी ना खोलो तब तक तो यानू के संग खेलता है, जैसे टीवी खोल दो तो फिर पार्थू के संग नहीं खेलेगा, वो उसका ध्यान टीवी में चला जाएगा। तो मैंने बोला दोनों को साथ लेके जाओ, तो यानू वहाँ जाती थोड़ी देर खेली और सो गई है। और बस खाना तो मेरा 11:30 बजे ही मैंने ऑलमोस्ट बना ही दिया था, बस तड़का लगाना है तो वो करूँ। मैंने कपड़े वपड़े धो के सुखाए गए, जितने ज़्यादा कपड़े थे आज के ये देखो ये सारा भरा पड़ा है, तो ये सभी कर रही थी, कपड़े तय लगाना कपड़े धोना और अपने आप भी नहा लिया है। अब तो डस्टिंग वगैरह करी अभी एंड बस अब दिन का खाना और बस मेन जो काम है ना वो बस मैं पकड़ा बिठा दो मुझे और भेज दो। हाँ तो ये देखो दाल भी मेरी उबल गई है, ग्रीन मूंग वाली दाल। तो मेरा जो मेन काम है वो है एडिटिंग का, और एडिटिंग मैंने अभी तक नहीं करी अपने दोस्तों के लिए, तो वो मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं कब करूँगी क्योंकि आज है ना अनूप ने बोला लाइटें पूरे घर की बंद है गाइस, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि कौन लाइट जलाएगा, लाइट से तो मुझे और गर्मी लगती है। तो अनूप ने बोला खाना खा के ना हम चलेंगे जूडियो, जूडियो जाना है हमें। और अब हमारे जाने का टाइम हो रहा है गाइस दिल्ली, तो पार्थू की जैसे छुट्टी पड़ेगी तो हम लोग निकल लेंगे भग लेंगे यहाँ से। तो बहुत सारी प्लानिंग वैसे कर रखी है और भी जगह जाने की हमने, लेकिन देखो क्या होता है, बैक ऑफ द माइंड तो हम बहुत सारी प्लानिंग करके रखते हैं लेकिन होता वही है जो राम रची राखा। तो बस अब हम देखते हैं क्या होगा, लेकिन यानू बहुत खुश है यहाँ पे, यानू एक दिन भी नहीं रोई गाइस, मतलब एक दिन भी नहीं आई, एक ही दिन तो हुआ है कल, तो कल जब से यानू आई ना तब से एक बार भी उसने घर को याद करके नहीं रोया। तो चित्रा देख के कहती दीदी तो ऐसे जा रखी है यहाँ से जैसे मतलब बंधी पड़ी थी और अब भाग गई है वहाँ से, मतलब बिल्कुल उसको चित्रा वहाँ से बोल रही है ना यानू आएगी दिल्ली, मैं बोल रही हूँ ना चल दिल्ली चल, तो कह रही कहाँ जाना है उस पार, ना मैं ना जा रही, तो मतलब उसको लग रहा है कि वीडियो से ही खींचना लें, तो कह रही उस पार मैं ना जा रही। तो गाइज अभी है ना मैं छोटी छोटी ब्लॉग बनाऊंगी ना, आप सब समझ सकते हैं क्योंकि देखो दिल्ली जाने का टाइम है, पैकिंग का टाइम हो चुका है, धीरे धीरे पैकिंग करूँगी तभी जाऊँगी, और दोनों बच्चे हैं तो उनके संग टाइम देना भी ज़रूरी है, मेरी ब्लॉगिंग बाद में है, पहले बच्चों की केयर ज़्यादा ज़रूरी है। पार्थू तो मेरा बहुत बड़ा हो गया है, अपने हर चीज़ कर लेता है, यानू भी बहुत छोटी है गाइज, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम हमें देना चाहिए। और आई हमारे लिए है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि
उसको पहले रखा जाए, बाद में सारी चीज़ें, तो सब चीज़ होगी। ब्लॉग बहुत बड़ी ना बनके छोटी छोटी बनेगी, लेकिन बनेगी जरूर, है ना। तो जैसे आज की ब्लॉग में यही एंड करूँगी, इसके बाद में इसको लंबा नहीं खींचूँगी। इसके बाद जब हम स्टूडियो वगैरह जाएंगे ना, अब मैं ऐसे सिस्टमेटिकली शूट नहीं, कुछ शूट करूँगी जहाँ मुझसे होगा एंड वॉइस ओवर करूँगी। तो जब तक मैं दिल्ली नहीं जाती, अब तब तक आप लोग ऐसी वाली ब्लॉग देखना। तो इस वाली ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। दिन का खाना खा के बस बच्चों के संग फिर स्टूडियो निकलना है। तो इस वाली ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल। अब सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, से मैं कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। बाय बाय मेरे लव वो दोस्तों। दिखाओ कोई बात नहीं। दोनों दोनों ने बिंदी लगा ली, हम दोनों दोनों ने पिचिक लगा ली, हम दोनों दोनों ने काजल भी लगा लिया, है ना यानू? लाडो तो करी ना दीदी ने इतना रेडी करा। आले वाला बच्चा कितना सुंदर। मेरा कौन सा है वो यानू? और मैं चीयर्स करके पे यानू पकड़ ले। मैं देखता हूं कि चूहा क्या है। नहीं नहीं बूढ़ा चूहा नहीं पिएगा, चूहा नहीं पिएगा। चीयर्स कर, चीयर्स। अब फिर बोलती है मैं पीऊंगी। शाबाश शाबाश। देख दूध पिएगी ना, फिर मैंगो शेक पिएगी, तेरी मूंछ बनेगी। देख देख मूंछ बन गई, बन गई। देख मैं भी बनाऊं मूंछ। पकड़ इसको पकड़, मैं अपनी मूंछ बनाऊंगी, तू अपनी मूंछ गिराएगी ना। देख मैं मूंछ बनाऊं। नहीं नहीं नहीं, देखिए यानू मेरी मूंछ, यानू की मूंछ बनाई। अच्छा मूंछ कम लाएंगे, पी लो। रे मेरा उल्लू आई, उल्लू बना रही थी मेरे को। हाँ मुझे बना रही थी। मैंने आपको कब उल्लू बनाया? आप ही मुझे बना रही हो। ये इतनी देर से ना दोस्तों मुझे बोल रही काजल का है, काजल का है। बताओ ये कोई काजल है, ये तो मिरर है। किसको? देखो चिड़िया है। ऐसे बोल रही थी, देखो चिड़िया है। चिड़िया कहाँ है? चिड़िया उल्लू बनाया। ये ना मेरे को उल्लू बना देती है गाइस। आपने मुझे भी उल्लू बनाया। मैं नहीं जाऊंगी अब, तब भी मैं नहीं नहीं करने। ये मेरे को मुझे भी तो उल्लू बनाया था, पर आपने पहले बनाया मेरे को उल्लू। आपने बोला काजल कहाँ है, काजल कहाँ है। ये कोई काजल है, ये तो मिरर है। क्या है? मिरर में मुझे थी। और मेरी बिंदी कहाँ गई? मुझे तो नहीं दी गई। इसने मेरी बिंदी भी लगा ली दोस्तों। देखो कहाँ है मेरी बिंदी? तेरी बिंदी तो है ये। हाँ, मेरी बिंदी। तो मेरी कहाँ गई मेरी? ले लगा दे, एक बिंदी लगा दे जल्दी से फिर। हाँ लगा दे, बिंदी लगा भी दे दू ना, लगा दे। सुंदर सी बिंदी लगाई है जीजी के। यहाँ लगाते हैं बिंदी। कहाँ गिर गई? मेरे को तो पता नहीं। उल्लू तो ना बना रही मेरा? नहीं। हाँ मेरा सिली। नहीं रुक रहा, क्या कह रहा है? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये तो वाह कितनी सुंदर। थैंक यू। मैंने यहाँ लगाई। दिखाओ। मैंने तो यहाँ लगाई है। अच्छी लग ली है। तो यहाँ आपने नहीं लगाई? आपने तो लगाई मेरे, आप लगा देते नीचे, आपने इतनी ऊपर लगा दी। मैंने आपको बताया था ना बिंदी कहाँ लगाते हैं। वाह इसको यहाँ लगा, देखो अब ठीक है। थैंक यू। दोनों दोनों बहन की बिंदी हो गई ना। मैं तेरी बहन हूँ ना, मैं तेरी बहन हूँ ना। हाँ ये मेरी बहन है, मैं इसकी बहन हूँ। चलो अब हम रेडी हो रहे हैं, हम जा रहे हैं घूमी घूमी, है ना यानू? ओके चलो।